हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 में दे रखा है, ड्रू अ लाइन सेगमेंट ए बी लेंथ 7 सेंटीमीटर। पहले मैं आपको रफ स्केच बना के दिखा देता हूँ। हमारा कोई लाइन सेगमेंट लिया हमने ए बी, जिसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर। ए को एज अ सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया, जिसकी रेडियस कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। ये लो जी, 3 सेंटीमीटर वाला मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। बी को एज ए सेंटर मानते हुए रेडियस 2 सेंटीमीटर वाला एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये लो जी, 2 सेंटीमीटर वाला एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, इसकी है 2 सेंटीमीटर। फिर बोला, कंस्ट्रक्ट ईच अदर टेंजेंट टू ईच अदर सर्कल फ्रॉम सेंटर टू द आउटर सर्कल। यानी कि हर एक सेंटर से एक दूसरे पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। मान लो ये इस पर टेंजेंट ड्रॉ करता है इस तरीके से, और जो दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर बी है, ये इस पर टेंजेंट ड्रॉ करता है। हम इस तरीके से क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करना है यहाँ पे। अब इसको बनाने का तरीका देखो क्या होगा। सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ होगी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ये लो जी, लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। इसका नाम दिया हमने ए बी, ए एंड बी। अब ये कितने सेंटीमीटर की लाइन है, रेडियस ड्रॉ करनी है 3 सेंटीमीटर की। तो कंपास को ओपन करना है 3 सेंटीमीटर का। ओपन कर लिया और करके ए को एज ए सेंटर मानते हुए यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। करने के बाद बी को एज ए सेंटर मानते हुए 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है, 2 सेंटीमीटर का। लो जी, बी को एज ए सेंटर मानते हुए यहाँ पे मैंने एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया। कर दिया। अब टेंजेंट ड्रॉ करनी है एक दूसरे के ऊपर। टेंजेंट हमेशा इक्वल होती है। जैसे कि मैंने ये रेड वाले टेंजेंट ड्रॉ की है, तो हमें ये दोनों पॉइंट चाहिए जहाँ पर इन टेंजेंट को ज्वाइन करना होगा। या फिर ये ब्लैक वाली लाइन जहाँ मैंने टच की है, ये दोनों भी लाइन क्या होगी, इक्वल होंगी। तो ये दोनों पॉइंट इस तरीके से चाहिए ताकि दोनों लाइनें इक्वल ड्रॉ की जा सके। ये हमने थ्योरम 10.2 में प्रूफ किया था कि ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। दोनों ब्लैक लाइन इक्वल होंगी, दोनों रेड लाइन इक्वल होंगी। तो इक्वल पॉइंट ढूंढने के लिए दोनों मैंने कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन किया। ओपन करके बी को एज ए सेंटर मानते हुए एक आर्क ऊपर लगाई, एक आर्क नीचे लगाई। ए को एज ए सेंटर मानते हुए एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। दोनों तरफ के हमें क्रॉस पॉइंट चाहिए। ये जो दोनों क्रॉस पॉइंट आएंगे, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। ये इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। ज्वाइन कर दिया, ये हो गया मिड पॉइंट। इसको नाम दे दिया मैंने सी, इसको नाम दे दिया डी। अब ये जो पॉइंट होगा, इसे ले लिया ओ। मैंने ओ बी को नापा, ओ बी। जितना ओ बी होगा उतना ही ओ ए होगा, क्योंकि ये जो ओ है ये मिड पॉइंट है ए बी का। तो ओ को एज ए सेंटर मानते हुए यहाँ मैंने इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करना शुरू किया। ये ड्रॉ कर दिया मैंने। ड्रॉ करने के बाद देखो, ये कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। अब हमें ये दोनों पॉइंट मिल गए जहाँ पर हम इसकी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये दोनों पॉइंट मिल गए, ए से इन दोनों पर क्या ड्रॉ कर देंगे टेंजेंट। ए को लिया और इस पॉइंट को लिया हमने, ठीक है, और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये लो जी, इस सर्कल का सी वन सर्कल की सी टू सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब ए को ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट के साथ। ये मैंने ज्वाइन कर दिया। इन पॉइंटों को नाम दे दिया मैंने ई एफ। इसी तरीके से यहाँ पर इंटरसेक्ट किया ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट होंगे। तो बी से इसकी टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। बी को एज ए सेंटर रखते हुए ये टेंजेंट होगी, और इसी तरीके से इसकी टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे हम। ये लो जी, ये दोनों टेंजेंट क्या होंगे इक्वल। इसको नाम दे दिया जी, और ये हो गया एच।
इस वाले सर्कल की जो रेडियस थी वो थी 3 सेंटीमीटर, इस वाले सर्कल की रेडियस थी 2 सेंटीमीटर। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।